बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ हिमालय बेबी क्रीम का। इस क्रीम के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कैसी ये क्रीम है, कैसे आपको यूज़ करना है, इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है और इस क्रीम के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस क्रीम के, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने खुद परचेज़ किया है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो इस क्रीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको ये क्रीम खरीदना चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, ये जो क्रीम है ये पर्सनली मैंने अपने बेबी के लिए ख़रीदी है। मेरा एक बेबी है 1 ईयर का, तो उसके लिए मैंने ये क्रीम ख़रीदी है। ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप सभी को पता होगा। हिमालय एक हर्बल प्रोडक्ट है, हिमालयाज़ के हर्बल प्रोडक्ट आते हैं। तो इस क्रीम का ख़रीदने का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो यही है, सबसे बड़ा तो कि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता है, बेबीज़ की स्किन को ज़्यादा केमिकल्स वगैरह से दूर रखना चाहिए, केमिकल फ्री प्रोडक्ट बेबीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये जो क्रीम है ये बिल्कुल सेफ़ है बेबीज़ के लिए, क्योंकि इसमें ना तो आपको पैराबिन मिलेगा, ना मिनरल ऑयल मिलेगा, सिंथेटिक कलर्स, इन सब से ये फ्री है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर सर्दियों में आपके बेबी की जो स्किन है वो रूखी हो जाती है, फटते हैं, गाल वगैरह फटते हैं, बेबीज़ के लिए तो ये क्रीम बेस्ट है ही। साथ ही सभी उम्र के लड़कियों के लिए जो क्रीम है ये बेस्ट क्रीम है। और मॉइस्चराइज़र क्रीम है, इसलिए मॉइस्चराइज़र जिनकी भी स्किन को चाहिए वो ये क्रीम लगा सकते हैं। सर्दियों के लिए तो ये बेस्ट है मैं मानती हूँ। और जिनकी भी ऑयली स्किन है या ज़्यादा एक्ने हैं जिनकी स्किन पे, उनको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए ये क्रीम। और जिनकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है उनके लिए जो क्रीम है ये बेस्ट क्रीम है। मॉइस्चराइज़र अगर आप तलाश रही हैं कुछ अच्छा मॉइस्चराइज़र जो बिल्कुल केमिकल फ्री हो, जिसमें ज़्यादा कुछ केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया हो, पैराबिन फ्री हो, तो ये जो क्रीम है ये बेस्ट क्रीम है। इसमें पैराबिन, सिंथेटिक कलर्स और जो भी सल्फेट वगैरह है वो सब इसमें नहीं है। तो बिल्कुल जेंटल है क्रीम, सेफ़ है और क्लिनिकली टेस्टेड है, तो एक बहुत अच्छी बात है इसकी। बेबीज़ के लिए क्रीम बहुत अच्छी है और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत चीप है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये बजट फ्रेंडली है। देखिए, 70 रुपीज़ की है और इसकी जो क्वांटिटी है मैं आपको दिखा देती हूँ, 50 ml क्वांटिटी है, जैसा कि आप देख सकती हैं। 70 रुपये में आपको 50 ml मिल जाती है। ये अकेले मेरी बेबी से तो ये ख़त्म नहीं हो पाती सर्दियों में, तो इसको मैं अपने सोने से पहले अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ ताकि जो मेरी स्किन है वो रूखी ना रहे और मॉइस्चराइज़र रहे स्किन पर, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको लगाने के बाद जो आपकी स्किन है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को केयर की ज़रूरत होती है सर्दियों में, क्योंकि वो सर्दियों में फटने का डर रहता है और बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है। तो इसलिए ये जो मॉइस्चराइज़र क्रीम है ये स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है सर्दियों में। ये जो क्रीम है ये बेस्ट है। इस क्रीम के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ये बजट फ्रेंडली है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाती है। आप अपने बेबी के फेस पे भी इसको लगाते हैं तो ये बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पे। क्रीम को लगाने के बाद एक बहुत अच्छा ग्लो आता है और आपके बेबीज़ की जो स्किन है वो 24 घंटे तक मॉइस्चराइजिंग रहती है इससे। और मॉइस्चराइज़र कोई भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो ये बेबीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है और बेबीज़ की जो माएँ हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी क्रीम है, वो भी इनको इस क्रीम को यूज़ कर सकती है एज अ मॉइस्चराइज़र। आप इस क्रीम को लगा सकते हैं अपने फेस पे। क्लिनिकली टेस्टेड है तो कोई स्किन पे हार्श नहीं करता और कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का इस क्रीम में यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए ये देखा जाए तो एक तरीके से बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है और बहुत अच्छी बेबी क्रीम है अगर आप बेबीज़ के लिए यूज़ करना चाहती हैं। और अगर आप माएँ हैं तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इस क्रीम को यूज़ करना आपको इस क्रीम के अकॉर्डिंग बता रखा है कि आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने आईज़ के जो एरिया है उसको अवॉइड करना है, और बेबीज़ के फेस पे और नीज़ पे और एल्बोज़ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर आँखों से इसको बचाना है। इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो ये आपके सामने हैं, बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ताकि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या क्या इस क्रीम में यूज़ किया गया है।
और बिल्कुल आपके बेबी के स्किन के अकॉर्डिंग है ये है। और मैं इसको लगा के दिखाने वाली हूँ अपने हाथ पे, कैसे आप इसको अप्लाई करना है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेनी है और अपने पूरे फेस पे लगाना है और आंखों के आसपास का एरिया अवॉइड करना है। बेबीज़ के भी सेम ऐसे ही लगाना है। अगर आप बेबीज़ को ये क्रीम लगाती हैं तो उनकी भी आंखों का एरिया जो है अवॉइड करना है और पूरे फेस पे लगाना है। और दिन में 2 बार लगाना है, सुबह और शाम सोने से पहले और सुबह सुबह के टाइम मुंह धो के। ठीक है, तो मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ अपनी हाथ पे, कैसे ये अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में इजीली। तो अब मैं इस क्रीम को खोल के आपको दिखाने वाली हूँ, लगा के दिखाने वाली हूँ कैसे ये लगाने में है। देखिए, इसका जो ढक्कन है वो काफ़ी टाइट है, काफ़ी अच्छे से है, मतलब ये ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं से भी कोई प्रोडक्ट लीक नहीं होगा। और थोड़ी सी लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। ठीक है, आप इसको मसाज करना है बिल्कुल आराम से, हल्के हाथ से, और ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू है, ऐसा लगता है फ्लावर्स की खुशबू है, बहुत अच्छी है। और ये देखिए, जो क्रीम है एक तरीके से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुकी है स्किन में, तो ये क्रीम की बहुत अच्छी बात है। गाइस, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।